नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी रोड जो है उसे ब्लॉक किया गया है। सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके साथ सबके साथ चलो, सबके साथ इंसाफ करो, मेहनत कीजिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए ऐसे कि हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, मगर कचवानी से लेके वो माया मंदिर तक लोगों की मजबूरी बन चुकी है। हमने 5-6 महीने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, मीडिया के सामने बात रखी है, दिल्ली जाके गडकरी के सामने बात रखी है। गडकरी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि ये जो फ्लाई ओवर है ये पिलरों पे एलिवेटेड बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कचवानी से लेके नरवाल तक 10 लाख पॉपुलेशन है जो डिस्टर्ब होने जा रही है। अगर किसी ने यहाँ से सामनी साइड जाना होगा उसको 6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है? एक तरफ मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, दूसरी तरफ लैब है। कोई इंसान बीमार होगा तो टेस्ट लेके 6 किलोमीटर घूम के जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीनेशनल स्कूल है यहाँ पे 20-25, बंकट हॉल है 40-50। जब बंकट जब शादियाँ होती हैं इतनी जैमिंग होती है यहाँ पे जिसका अंदाजा नहीं, 150 फुट रोड पे। अभी जब 25-25 फुट रोड दोनों साइड दे रहे हैं, एक गाड़ी रुक गई समझो पूरी रोड बंद होगी। अभी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जैसे कैनार रोड से मुट्ठी तक का फ्लाईओवर बना है उस तरह से बने, जैसे विजयपुर से लेके सतवारी तक का बना है वैसे बने। कचवानी से लेके तो नरवाल तक कौन सी इनको तकलीफ होगी है कि जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ 10 लाख आबादी है, वहाँ पे जो ब्लाइंड बाल पे लेके जा रहे हैं। हमारी सिंपल रिक्वेस्ट ये है कचवानी से लेके नरवाल तक ये जहाँ तक भी फ्लाई ओवर जा रहा है ये एलिवेटेड बने, पिलरों पे बने। मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पे दोनों साइड कम से कम 20-25 नेचुरल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। अगर कोई एम्बुलेंस आएगी जब कुछ आएगी 25 फुट रोड पर जामिंग हो जाएगी, जो बीमार आदमी है वो हॉस्पिटल में कैसे पहुँचेगा। ये आम एक शहरी को जरूर सोचना चाहिए। इसमें त्रिकुटा नगर आता है, इसमें छन्नी हिम्मत आता है, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन आती है, मार्बल मार्केट आती है, कचवानी पूरा आता है, ग्रेटर कैलाश आता है, छन्नी हिम्मत आता है, छन्नी रामा आता है, छन्नी डीली आता है, सैनिक कॉलोनी आता है, चाटा आता है, ज्वादी आती है, सुंजमा आता है, फिर उसके बाद आगे बठिंडी है, ट्रांसपोर्ट नगर है, सब्जी मंडी है, फ्रूट मंडी है, कालका के लिए है। पहले पीसफुली पिछले 3-4 महीने से हमारे सभी यहाँ के नागरिक हमारे व्यापारी इकट्ठे होके हम नितिन गडकरी जी तक भी मिले हैं और उन्होंने बड़ी पेशेंटियरिंग दी है। आप हैरान होंगे कि उन्होंने खुद माना है कि 10 लाख की आबादी को डिसबैंड कैसे कर सकते हैं, हम लोग उनको कैसे अंधेरे में छोड़ सकते हैं कि ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन होगी, इधर बड़ी दीवार खड़ी कर दो 30 फुट की, वो लोग इधर ना देखें, ये लोग उधर ना देखें, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था तो गडकरी जी ने कहा था कि चुनावों के बाद हम इस पे ध्यान देंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर कुछ काली भेड़े ऐसी बैठी हैं जो केंद्र सरकार की विकास की नीति को लोगों में नकारात्मक तरीके से नेगेटिव डिजाइन बना के लेके जा रहे हैं। बड़ी ब्राह्मणा तो उदाहरण बन गया, वो तो छोटा सा स्पैन था 100 मीटर का, आपने पहले पैसे खर्चे, 5-6 साल के बाद उसको तोड़ने चले गए। तुम्हारे बाप का पैसा, पब्लिक का पैसा है वो, तुम कैसे पहले गल्फ कंस्ट्रक्शन की एक एक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन उस वक्त इंजीनियर थे, कौन ठेकेदार थे, किसने वो डिजाइन बनाया जो बाद में बड़ी ब्राह्मणा का फ्लाई ओवर तोड़ के पिलर पे उठाना पड़ा। ये बहुत लंबा स्पैन है और इसपे 10 किलोमीटर के साथ साथ 10 लाख के करीब आबादी है, रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल है, सबकी रोजी रोटी का साधन है,
आप यहाँ पर सदियों से बसने वालों के घरों के आगे खड़ी कर दोगे, बड़ी बड़ी नालियां डीप ड्रेन बना दोगे। मोमाया तक कुछ पार्किंग पूरे कुंजवाड़ी जिले के मोमाया तक कई गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। अरे भैया कौन सा विकास है, किस तरीके का विकास है? आप 25 फुट का एक्सपैन दे रहे हो, उसमें कोई गाड़ी खड़ी करके जाएगा या दूसरी गाड़ी वाला निकलेगा? जो नेशनल हाईवे का डिजाइन है उसके मुताबिक चलना चाहिए। और आज आपने देखा, ये हमारा आज पहला फिजिकल यहाँ प्रोटेस्ट है, ये अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। हम पब्लिक को भी तंग नहीं करना चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन को भी तंग करना नहीं चाहते। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एनएच के अंदर जो यहाँ पर बैठे हैं कसम कसाई बन के, उनको दफ्तरों एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकालिए और लाइए उनको सड़कों पे यहाँ पर, और पूछे उनसे कि किस इंजीनियर ने ये डिजाइन बनाया है कि मैं दीवारें खड़ी करके बड़ा फ्लाई ओवर बना दूंगा, ताकि जो दिल्ली से आए वो इस इलाके को देखे ही ना, और जो दिल्ली से आए वो सीधा यहाँ से कटरा चला जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास।